हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रोशाक इंक बॉल टेस्ट। इस टेस्ट को हम प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट को स्विस साइकोलॉजिस्ट हवन रोशाक ने इंट्रोड्यूस किया था। दिस टेस्ट ओरिजिनली फ्रॉम स्विट्जरलैंड। इस टेस्ट को हम 5 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति पे परफॉर्म कर सकते हैं। इस टेस्ट के जरिए हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी की स्पेसिफिक और जनरल नॉलेज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये टेस्ट मोस्टली हम सिजोफेनिया डिसऑर्डर और साइकोसिस डिसऑर्डर में परफॉर्म करते हैं। सिजोफेनिया लाइक हैलुसिनेशन, डल्यूशन होना, लाइक उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, मुंह में कुछ अजीब तरीके का स्वाद घुल गया है, ऐसा लगता है कि उसके इर्द गिर्द कोई घूम रहा है या कोई उसे कुछ बोल रहा है, ऐसे पेशेंट पे हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट में 10 इंकबॉल्ट इमेजेस होती हैं जो हम एक एक करके पेशेंट को दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको इस इमेज में क्या दिखाई दे रहा है, और उसके दिए हुए रिस्पॉन्स को हम अपनी शीट में नोट डाउन करते हैं। पर जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं उस समय हम सिर्फ रिस्पॉन्स नोट डाउन नहीं करते, हम पेशेंट के बॉडी मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, जेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, हर एक चीज और बिहेवियर को अपनी शीट में नोट डाउन करते हैं। उसके रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई एनिमल हुआ, ह्यूमन हुआ, बर्ड हुआ, मॉन्स्टर हुआ, उस समय उसने उस इंक बॉल्ट में क्या देखा उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स करेगा और हम उसे नोट डाउन करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि वो इंक बॉल्ट कैसे हैं। ये 10 इंक बॉल्ट हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये जरूरी नहीं कि वो पूरे होल इंक बॉल्ट को देखता है, पर ये जरूरी नहीं कि होल इंक बॉल्ट को ही रिस्पॉन्स करे, उसको सर्टन पार्ट में, इतने पार्ट में भी कुछ दिखाई दे सकता है, इतने पार्ट में भी कुछ दिखाई दे सकता है, या सारे इंक बॉल्ट में कुछ दिखाई दे सकता है। तो ऐसे कर करके हम उससे सारे इमेजेस को एक एक करके दिखाते जाते हैं और पूछते रहते हैं कि आपको इस इंक बॉल्ट में क्या दिखाई दे रहा है, और उसे जो भी दिखाई देता है उस इंक बॉल्ट में, या जितनी बार भी दिखाई देता है, एक इंक बॉल्ट में जरूरी नहीं कि वो एक ही रिस्पॉन्स करे, एक से ज्यादा भी कर सकता है, 2, 3, 4, उसे जो भी दिखाई दे उस इंक बॉल्ट में वो धीरे धीरे करके वो सब रिस्पॉन्स कर सकता है। तो हम उसे एक एक करके अपने सारे इस इंक बॉल्ट को दिखाते हैं और उसके सारे रिस्पॉन्स को अपने शीट में नोट डाउन कर लेते हैं। ये इंक बॉल्ट दिखाने के बाद, नोट डाउन करने के बाद, हम फिर उसके दिए हुए रिस्पॉन्स की स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग करने के बाद हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन होने के बाद अपना एक रिपोर्ट राइट करते हैं और फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की थेरेपी को, काउंसलिंग को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, वो उसके रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। मैं आपको 2 शीट दिखाता हूँ जो मेरे पेशेंट्स के हैं, उनमें उनका नाम नहीं है, और ये भी है कि हर शीट में पेशेंट अगर शीट देखे तो वो सब में रिस्पॉन्स करे। अभी ये मेरा पेशेंट है, उसने इसमें, इसमें और इसमें, इन 3 इंक बॉल्ट में रिस्पॉन्स नहीं किया, उसने बोला कि हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। ये एक अलग पेशेंट का है और ये एक अलग पेशेंट का है। तो उनके दिए हुए रिस्पॉन्स को हम अपने शीट में नोट डाउन करते हैं और कितने किस पार्ट में दिखाई दे रहा है वो लिखते हैं। अभी उसे इस पार्ट में कुछ दिखाई दे रहा था, सेकंड रिस्पॉन्स, तो ये लिखा है, और होल पार्ट में उसका एक फर्स्ट रिस्पॉन्स आया तो वो अलग लिखा है। तो उस सारे रिस्पॉन्स को हम अपने शीट में नोट डाउन करते हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल और हेल्पफुल वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।